डॉक्टर वाई एस परमार औद्योगिकी एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय नौनी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा करवाई गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018 में देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद नौनी विश्वविद्यालय देशभर के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 71वें स्थान पर रहा और देश में उच्च शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में खुद को स्थापित किया है। इस रैंक में नौनी विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र संस्थान है जो भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में आया है। NIRF द्वारा की गई रैंकिंग को बीते दिनों मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विज्ञान भवन में जारी किया गया था। विश्वविद्यालयों की शीर्ष 100 की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। समृद्ध श्रेणियों में नौनी विश्वविद्यालय केवल 22 अंकों से शीर्ष 100 संस्थानों में अपनी जगह बनाने से चूक गया है। इस वर्ष मंत्रालय ने ओवरऑल विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज फार्मेसी और प्रबंधन के संस्थानों के लिए रैंकिंग की है। इस साल 3 नई श्रेणियां जोड़ी गई मेडिकल आर्किटेक्चर और लॉ संस्थानों को टीचिंग लर्निंग और रिसोर्स रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंक्लूसिविटी और जैसे मापदंडों पर परखा गया है। इस साल ओवरऑल और विश्वविद्यालयों की श्रेणियों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने बाजी मारी। इस संस्थान में 430 सकाय और कुल वार्षिक व्यय 525 करोड़ रुपए हुए हैं। इसकी तुलना में नौनी विश्वविद्यालय में 218 सकाय और कुल 124 करोड़ का वार्षिक ऑपरेटिंग बजट है। रिसर्च के लिए नौनी विश्वविद्यालय अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से ICAR TVT, DST, HPSTC आदि जैसी वित्तीय पोषण एजेंसियों से पैसा लाती है। इन रैंकों से विश्वविद्यालय के लिए जो प्रोत्साहनजनक बात उभर कर आई है वो ये रही है कि टीचिंग लर्निंग और रिसोर्स मापदंड में नौनी विश्वविद्यालयों की सूची में 24वें स्थान पर रहा है। इस मापदंड में विद्यार्थी जिनमें PhD छात्रों की संख्या सकाय छात्र अनुपात वित्तीय संसाधन और उनके उपयोग शामिल हैं। विश्वविद्यालय के सकाय छात्र अनुपात और महिला विविधता में पूरे अंक आए हैं। विश्वविद्यालय ने सकाय योग्यता और अनुभव को विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय ने पिछली बार के मुकाबले इस साल अपने स्कोर को 39.54 से बढ़ाकर 40.30 करने में कामयाब रहा। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 11 ही बागवानी कृषि और पशु चिकित्सा से संबंधित हैं। इन विश्वविद्यालयों में नौनी 7वें पायदान पर रहा। कुलपति डॉक्टर HC शर्मा ने इस मौके पर सकाय छात्रों और कर्मचारियों को बधाई दी और उन्होंने अगले साल के लिए अधिक परिश्रम करने का आग्रह किया ताकि विश्वविद्यालय के नाम देश के शीर्ष 25 संस्थानों में शामिल हो सके। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय बारीकी से रिपोर्टिंग का अध्ययन करेगा और उन मापदंडों पर काम करेगा जहां विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है ताकि भविष्य में विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार किया जा सके। उन्होंने उच्च रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालय में सकाय की संख्या बढ़ाने की जरूरत और राज्य और केंद्र सरकारों से अनुसंधान के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।